हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप आधार कार्ड की कितनी सर्विसेज का आप फ्री में यूज़ कर सकते हो और आप क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम आधार से रिलेटेड बताएंगे जो चीज़ें हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। यहाँ पर हम आ जाएँगे, ये माई आधार या UDI करके आप इस पर आ जाना। तो इसका लिंक हम डायरेक्टली वहाँ पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो इस पेज पे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, आधार नंबर यहाँ पे हम फिल कर देंगे। जो भी हमारा आधार नंबर रहेगा, हमने आधार नंबर फिल कर दिया। अब यहाँ पर कैप्चा टाइप कर देंगे जो यहाँ पर हमें दिख रहा है और इसके बाद लॉगिन विद OTP पे आप क्लिक करेंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर पे, यानी जो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक OTP जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस OTP को आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने OTP फिल कर दिया। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा आधार कार्ड। अब लॉगिन होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे सर्विसेज शो कर रहा है, ये सारी सर्विसेज का हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव, यानी आपको कुछ भी इससे नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद हम सबसे पहले आपको बता देंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट, यानी आप क्या कर सकते हो, अपने आधार में कुछ भी एड्रेस का आप अपडेट कर सकते हो यहाँ से। तो इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री ऑफ ये दिखा रहा है, लुकिंग योर आधार एड्रेस, आप यहाँ से क्लिक हेयर करके देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आधार अपडेट ऑनलाइन, यानी ये आप एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। तो अब आपको देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें शो कर रहा है कि जो नेम है वो हमारा एक बार अपडेट अभी लिफ्ट बाकी है, कि अभी एक बार और भी हम नेम चेंज करा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है, डेट ऑफ बर्थ हमारा 0 हो चुका है, यानी अब हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं करा सकते। और यहाँ पे जेंडर दिखा रहा है कि एक बार आप जेंडर को भी चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दो बार दिया रहता है कि अगर आप दो बार भी चेंज करवा लेते हो तो ये सारी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप चेंज नहीं करवा सकते। जैसे अभी हमने सिर्फ एक बार नेम चेंज कराया, जबकि डेट ऑफ बर्थ को हमने 2 बार चेंज करवा रखा है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, अब हम लाइफ में कभी भी अपडेट नहीं करा सकते अपना डेट ऑफ बर्थ को। अब इसके बाद आप आ सकते हो यहाँ पर एड्रेस के लिए, देखो 9 लिमिट है। यहाँ से आप एड्रेस को मल्टीपल जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसको अपडेट कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसी पे सिर्फ हम टिक कर पाएंगे, यानी इस चीज़ को हम अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे आधार जो भी डिटेल्स है ये हमें दिखा रहा है और आप यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिल करोगे। जैसे जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो शो कर रहा है उसके हिसाब से आप नीचे आओगे। जैसे केयर ऑफ यहाँ पे आप डाल दीजिए, हाउस बिल्डिंग नंबर आप यहाँ पे रख दीजिए, स्ट्रीट रोड लेन यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें पिन कोड यहाँ पे, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट गांव सब आप सेलेक्ट करते हुए, और यहाँ पे एक आपसे फाइल मांगी जाएगी जो ये एड्रेस के लिए आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि आप क्या चीज़ें उसके लिए लगा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड हो गया, किसान फ़ोटो पासबुक हो गया, फ़ोटो बुक भी थी, फोटोग्राफी सेक्टर बैंक का भी आप दे सकते हो, राशन कार्ड यूज कर सकते हो, UST SC OBC सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हो। तो ये इतनी चीज़ें जो भी यहाँ पे शो कर रहा है ये सब आप लगा सकते हो। तो जो भी लगाने के बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दोगे, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, और अपलोड होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करके यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट होगा। तो आप 50 रुपये का पेमेंट जैसे कर देंगे ये आपका आधार अपडेट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आते हैं डैशबोर्ड पे, हम फिर से आ जाते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं फिर से। इसके बाद ये डाउनलोड का आधार दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करोगे ये बता रहा है कि आपका आधार कार्ड ये है जो चीज़ें हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डाउनलोड जैसे करोगे ये आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा।
आप देखना चाहते हो अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशन न योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड द PDF पासवर्ड इज एट कैरेक्टर है जो यहाँ पे दिखा रहा है कंबाइन दी। जैसे आपका अगर यहाँ पे नेम है ना नीचे आप आइए, जैसे नेम अनीश कुमार है तो आप अनीश लिखोगे कैपिटल में 4 कैरेक्टर और इसका जो भी ईयर का होगा है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि जो अभी हमने डाउनलोड किया यहाँ पे आया होगा डाउनलोड में, कंट्रोल जे आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये रहा आधार, इसको जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा जो भी पासवर्ड था, अभी हमने वहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देते हैं कैपिटल में, सब 4 कैरेक्टर तक आपको कैपिटल में लिखना है। तो हमने अपने नाम का 4 अक्षर टाइप कर दिया और ईयर आप टाइप कर देना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और इसके बाद सबमिट करोगे तो ओपन हो जाएगी फाइल। हमने रॉन्ग टाइप किया यहाँ पे, फिर से टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पे सबमिट, तो ये देखो इस टाइप से ओपन हो जाएगा आपका आधार जो आपने डाउनलोड किया। तो ऐसे आप आधार को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब सेकंड अगर हम आते हैं, अभी ये शो नहीं हो रहा, थोड़ा लोड हो रहा है शो करने में। ये रहा शो हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आधार शो होने लगा। तो इस तरह आप अभी यहाँ से फिर से हम आते हैं और भी बहुत सारे उसमें डैशबोर्ड पे फिर वापस आते हैं। यहाँ पे आधार यानी ऑर्डर ऑफ आधार PVC कार्ड, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो PVC कार्ड के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा पेमेंट मांगेगा, ये भी 50 रुपये का। आपको ये दिखा रहा है कि जो आपका आधार कार्ड जो PVC कार्ड होगा जो हार्डनेस प्लास्टिक टाइप का होगा दिखा रहा है, और ऑर्डर ऑफ 50 रुपये का दिखा रहा है। आप जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए और पेमेंट के लिए मेक पेमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप आधार का जो है एक PVC कार्ड बन जाएगा। इसको हम अभी भी आपको करके दिखाते हैं, अप्लाई अभी कर देते हैं, इसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 50 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रोसीड कर देंगे। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, तो हम ये भीम UPI का यूज़ करना चाहते हैं, फ़ोन पे जो भी हो प्रोसीड किए। और यहाँ पे एक शो कोड करके दे रहा है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे और ये देखो स्कैन विथ करके इसको आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसको अभी हम स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से, और ये स्कैन हो चुका है, अभी इसको हम पेमेंट देते हैं। 50 रुपये का पेमेंट आया है। और ये पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट ऑफ प्रोसेस सक्सेसफुली। अभी क्या हुआ कि हमारा PVC कार्ड के लिए अप्लाई भी हो चुका है और यहाँ पे डन भी हो गया। तो अभी ये क्या होगा कि आपके पते पे डाउनलोड कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे वो भी डाउनलोड हो गई, अब वहाँ पे जो भी होगा उसको, और ये आपके आधार कार्ड यानी आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा आ जाएगा। ये गो टू बैक करते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं। इसके बाद एड्रेस अपडेट जो अभी आपको बताएं, और भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बैंक सेटिंग स्टेटस। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि हमारा आधार कार्ड किस बैंक में एक्टिव है। तो यहाँ पर दिखा रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक में एक्टिव है, कब से अपडेट यानी अपडेटेड डेट बता रहा है कि 2017 से। फिर गो टू डैशबोर्ड यानी वापस आते हैं, यहाँ पे दिया जनरेट वर्चुअल आईडी। आप यहाँ से अगर आपके आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे जनरेट होगी, आ जाएगी आपकी ये वर्चुअल आईडी, आपके रजिस्टर नंबर मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी जाएगी। फिर गो टू डैश हो गया, हम वापस आते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है,
इसके बाद यहाँ पे दिया है लॉक अनलॉक, यानी बायोमेट्रिक को आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हमारी बायोमेट्रिक किसी द्वारा हैक हो सकती है या कोई हमारा बायोमेट्रिक फिंगर या स्कैन कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके इसको लॉक कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस आएगा। आपको ये दिखा रहा है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉक हो जाएगी, इसके बाद ये चीज़ें नहीं आपकी स्कैन होगी। तो आप यहाँ पे टिक करके इसको लॉक कर दीजिए। ये नेक्स्ट जैसे आप करेंगे, ये आपकी बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगी। फिर आप दोबारा से आके उसको अनलॉक भी यहीं से कर सकते हो, ये भी चीज़ें हो जाएगा आपको यहाँ से। इसके बाद इसमें दिया है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, यानी आप ये चेक कर सकते हो कि हमारा आधार कार्ड कितनी बार या क्या क्या चीज़ें कितनी बार यहाँ पे ली गई, यानी किस किस जगह पे ऑथेंटिकेशन हुआ था। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे कि आप बायोमेट्रिक चेक करना चाहते हो कि OTP या डेमोग्राफी कब कभी यूज हुई है या कहाँ कहाँ पे यूज हुई है। इसके लिए हमने आल पे रखा कि हमें सब चेक करना है। स्टार्ट डेट आप बता दो किस डेट से आप चेक करना चाहते हो। जून का दिखा रहा है, 6 महीने पहले का ये आप देख सकते हो। तो यहाँ तक का मान लो ये दिखा रहा है, हमने यहाँ तक का ही रखा और यहाँ पे इन डेट आज का रख लिया। और यहाँ से फैक्स हिस्ट्री पे यानी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे और डिटेल्स आपको शो होने लगेगी। नीचे आइए, अब देखो ये बता रहा है कि OTP द्वारा आपने 58% तक और 33% आपने फिंगर लगा के और डेमोग्राफी द्वारा आपने 8.3% यूज किया है। और ये बता रहा है किस किस डेट को, यानी ट्रांजेक्शन्स के टाइम में ये यहाँ पे OTP आया गया। UDI ऑनलाइन सर्विस के लिए, यूनियन बैंक में इसलिए आपने यूज किया, बायोमेट्रिक यूनियन बैंक, जहाँ जहाँ पे आपने जब जब यूज किया ये सब, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आपने यूज किया। सारी डिटेल्स आप नेक्स्ट करके आगे दी और सारी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा ये पूरा सीरीज। तो गो टू डैशबोर्ड पे आते हैं, इतनी चीज़ें हो गई। अब इसमें दिया ऑफलाइन KYC के लिए, आप यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हो, KYC के लिए आप एक कोड बना सकते हो कि इसका ये KYC हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्रिएट ए शेयर कोड भी आप बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आओ, ये पेमेंट हिस्ट्री है, आपने क्या क्या पेमेंट किया ये हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी जो आपने ये किया व्यू करके आप देख सकते हो किसके लिए है। अभी ये हमने PVC कार्ड के लिए पेड किया है, तो ये दिखा रहा है 50 रुपये का ये पेमेंट है। तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री आपका शो हो जाएगा कि जब जब आपने किस चीज़ के लिए पेमेंट किया है। और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आधार अपडेट हिस्ट्री, यानी आप आधार को कब कब चेंज कराए हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कितनी बार आपका आधार कार्ड चेंज हुआ है। तो ये बता रहा है कि रिकॉर्ड आप 3 टाइम हुआ है। आप चेक करके देख सकते हो कि यहाँ पे 1st टाइम हमारा इस तरह था, इसके बाद 2nd टाइम ये था और 3rd टाइम हमारा ये था। तो ये आप चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड कब कब चेंज हुआ है, ये 3 टाइम चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सब शो हो रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि कितनी चीज़ें आप आधार कार्ड से चेक कर सकते हो। और अगर ऐसी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।